Dear student, today I am going to discuss one of the topic for class 11. My topic is the cell. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल हमारा शरीर सेल का बना हुआ है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल का ही बना हुआ है. इट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू डिस्कस द डिफिनीशन ऑफ द सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेल क्या है. हमारा शरीर सेल का बना हुआ है. कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल का बना हुआ है. इसलिए सेल में स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है. क्योंकि सारा फंक्शन सेल में ही होता है. ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल. नाउ तो बात उठती है कि सेल के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी. तो इसको हम लोग इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने हम लोगों को बताया. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज ऑब्जर्व बाय अ इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed a thin section of cork. Actually, cork is a plant cell, and he observed a thin section of cork under his self-made microscope. Now, further, another scientist, Anton von Leeuwenhoek, observed living cell. Actually, cork is a dead cell. It is not a living cell. But living cell is first of all observed by Anton von Leeuwenhoek in 1674. He observed bacteria under his self-made microscope. The term cell is coined by Robert Hooke. First of all, the term cell is coined by Robert Hooke. And it is derived by, the word cell is derived by a Latin word cellula. The meaning of cellula is a little room. Actually, cell is a little room, empty bonded structure. That's why it is coined by Robert. The term cell is coined by the Robert Hooke, and it is derived by Latin word cellula. Now, further. In 1831, another scientist Robert Brown observed nucleus in plant cell. In 1839, the another scientist Purkinje, they observed protoplasm and coined the term protoplasm. Next. In 1838 and 1839, a scientist M.J. Sclater and Theodore Schwann proposed a theory. The theory is called cell theory. So, cell theory is first of all proposed by M.J. Sclater and Theodore Schwann in 1838 to 1839. So, what are the postulates of the cell theory? These are the postulates of cell theory. According to cell theory, the body of all living organisms are made up of cells. The body of all the living organisms are made up of cell. Cell, another postulate, the cell develops from pre-existing cell. Now another postulate of the cell theory is, all cells possess similar chemical composition and metabolic activities. All cells possess similar chemical composition and metabolic activities. It means सारे cell एक ही तरह के chemical composition वाले होते हैं. एक ही तरह के केमिकल के बने होते हैं और एक ही तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. और ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द सेल्स ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेल.
It means all the functions that perform inside the living organisms are performed by the cell. Now, this is the structure of a typical animal cell. इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में और अगले वीडियो में बताएंगे. एक थोड़ा सा आउटलाइन के रूप में मैंने यहाँ पर दिया है. एक्चुअली सेल इन सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन द मिडिल ऑफ द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद अ काइंड्स ऑफ लिक्विड. दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इनसाइड द साइटोप्लाज्म सेवरल काइंड्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइब एंड अदर्स. तो दीज आर द सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंटेशन. नाउ अब बात आती है कि ऑर्गेनिज्म में का साइज अलग अलग होता है. कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं. किसी को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, किसी को आसानी से देखा जा सकता है. तो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटीज है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म टू कैटेगरीज. ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासीफाइड टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल. द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे हैव सिंगल सेल, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अनदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ सेलुलर डाइवर्सिटी, अब हम लोग बात करेंगे सेलुलर डाइवर्सिटी. यानी सेल के शेप में, सेल के साइज में काफी वेरिएशन, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर डाइवर्सिटी के अंदर में बात करते हैं. तो सेल शेप्स, तो शेप अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गेन में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल का शेप अलग होता है. एक तरह का फिक्स शेप नहीं है इसका. सम सेल्स आर फ्लैट, सम सेल्स आर कॉलोनर, सम सेल्स आर पॉलीगोनर, सम सेल्स आर ओवल, सम सेल्स आर राउंडेड, सम सेल आर स्पिंडल सेल, सम सेल्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइन. अलग अलग फ्लैट का होता है. नाउ सेल साइज, ये भी काफी वेरी करता है, सेल से काफी वेरी करता है. बैक्टीरिया का साइज जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर के लगभग होता है. यूकैरियोटिक सेल, द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रेंजेस बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर. द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और PPLO. माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज साइज इज 0.1 माइक्रोमीटर. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड. And the largest cell of the world is ostrich egg, is size 170 into 135 millimeter. This is the largest cell of the world. Now, longest cell is our nerve cell. Nerve cell is the longest cell, and its size is about 1 meter in human body. तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सेल के आधार पर, सेल साइज के आधार पर. तो सेल का ये जनरल डिस्क्रिप्शन है. अगले वीडियो में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर और डिटेल में बात करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.